The question is, if argument of z1 upon z2 is equal to pi upon 2, then find the value of z1 plus z2 upon z1 minus z2 mod. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, अगर वो आपको समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में रोटेशन थ्योरम को पढ़ा होगा कि सपोज मेरे पास ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज z1, दिस इज z2, दिस इज z3, और सपोज इनके बिटवीन का एंगल है अल्फा। तो z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2 ये बराबर होता है मॉड ऑफ z1 माइनस z2 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z3 माइनस z2 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा अल्फा के। तो ये स्टेटमेंट है जो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, और इसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन काफी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, जो स्टेटमेंट हमें दे रखा है उस पर अगर अपन कमेंट करें तो स्टेटमेंट हमारे पास है आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 एंड दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। नाउ चेक इट, ये जो आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 हमें दे रखा है, मैं अगर इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं z1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई z2 माइनस 0 के। अब z1 माइनस 0 अपॉन z2 माइनस 0 ये बराबर होगा मॉड ऑफ z1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z2 माइनस 0 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा अल्फा के। लेकिन इन द क्वेश्चन यू आर सेइंग कि ये जो z1 अपॉन z2 का जो आर्गुमेंट है वो आपका पाई बाई टू के इक्वल है, मीन्स ये जो अल्फा है इसे मैं पाई बाई टू से रिप्लेस कर सकता हूँ। मीन्स z1 अपॉन z2 ये हमारे पास होगा मॉड ऑफ z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ z2 इंटू ई रेस टू द पावर आयोटा पाई बाई टू के। अब ई रेस टू द पावर आयोटा पाई बाई टू की अगर अपन बात करें तो ये आयोटा के इक्वल होता है, मीन्स ये बन जाएगा z1 का मॉड अपॉन z2 का मॉड इंटू आयोटा। आप चाहें तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पर्पज से मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 को एक नए कॉन्स्टेंट k से आप रिप्लेस कर दीजिए, तो z1 अपॉन z2 को आप लिख सकते हैं आयोटा इंटू k, वेयर k बिलोंग्स टू रियल नंबर। k कोई भी एक रियल नंबर होगा जो मॉड ऑफ z1 अपॉन मॉड ऑफ z2 के बराबर है। अब जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको निकालनी है वो आपके पास है z1 प्लस z2 डिवाइडेड बाई z1 माइनस z2, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। हमने क्या किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को z2 से डिवाइड कर दिया। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो z1 अपॉन z2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये बनेगा z1 अपॉन z2 माइनस 1 के। अब आप देख सकते हैं कि z1 अपॉन z2 को आप रिप्लेस कर सकते हैं आयोटा k से, मींस दिस विल बिकम आयोटा k प्लस 1 डिवाइडेड बाई आयोटा k माइनस 1 के। और जैसा मैंने कहा था कि k तो आपके पास कोई भी रियल नंबर है, तो इन केस अगर आप इस क्वांटिटी का मॉड लेते हैं तो न्यूमरेटर का मॉड जब आप निकालेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस के स्क्वायर, और डिनोमिनेटर का मॉड निकालेंगे तो ये भी आपको मिलेगा 1 प्लस के स्क्वायर के। आप चाहें तो ये दोनों टर्म कैंसिल कर सकते हैं एंड द रिजल्ट इज इक्वल टू 1।